चरमराई यातायात व्यवस्था को देखते हुए काशीपुर के एसपी ने इसे ठीक करने के लिए चेकिंग अभियान शुरू करवाया और यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। काशीपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ साथ गलत तरीके से चलने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने चेकिंग अभियान शुरू करवाया। टांडा तिराहे पर ओवरलोड वाहनों, सवारी ई रिक्शाओं पर चालानी कार्रवाई की गई। इस इलाके में कई वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से यातायात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ई रिक्शाओं में सवारी की जगह सामान भरकर ले जाया जा रहा है, जो दुर्घटनाओं का कारण बनता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर में शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार हमारी सिटी यूनिट, ट्रैफिक यूनिट और थाना चौकी के जो हमारे कर्मचारी हैं, समय समय पर उनके द्वारा ड्यूटी दी जा रही है, उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। इसी क्रम में ये प्रकाश में आया कि कुछ ई रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और इस तरह की चीज़ों पे बिल्डिंग मटेरियल, स्पेशली इसमें सरिया, पाइप और टीन सेट, इस तरह से बॉडी से बाहर बहुत ज़्यादा निकाल करके और अनसेफ तरीके से चलाया जा रहा है, तो इससे लोगों की जीवन जोखिम में पड़ रहा है। मुख्य हमारी सड़क सुरक्षा में यह प्राथमिकता है कि सुगम और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना, लिहाजा हमने ई रिक्शा और अन्य लोगों से मीटिंगें भी करी। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर आपके माध्यम से भी, और हमने मीटिंग करके भी सबको अवगत कराया कि कृपया इस तरह से ना करें। सड़क सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, इस और समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ऐसा प्रकाश में आया कि कुछ लोगों के द्वारा इसके बावजूद भी अनदेखा किया जा रहा है और अभी भी मनमानी की जा रही है। लिहाजा आज हमने एक अभियान चलाया जिसमें मेरे द्वारा टाटा पे और अन्य हमारी टीमों द्वारा अन्य अन्य स्थानों पे इस तरह के जितने भी व्हीकल है, जो ई रिक्शा, स्पेशली ई रिक्शा या बैलगाड़ी या जो घोड़ा गाड़ी है जिसमें कि बॉडी से बाहर बहुत ज़्यादा निकाल करके और अनसिप तरीके से चला रहा है, तो उनको सीजर की कार्रवाई की गई है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में नहीं सुधरे तो हम रोड सेफ्टी के अंतर्गत और ये उपेक्षापूर्वक लापरवाही में जो इनके द्वारा काम किया जा रहा है, भविष्य में हम अभियोग भी पंजीकृत करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।